मैं आपको बताऊंगा कि मैतई और कुकी के बीच यह संघर्ष क्यों चल रहा है, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह संघर्ष इतना लंबा क्यों हो गया, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है अब तक इस घटना में, 50,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं, पलायन कर चुके हैं अपने घर से, ये सारा कुछ मणिपुर में हो रहा है, क्यों हो रहा है। इंसान, इंसानियत और इंसान के अंदर छुपी हैवानियत, इसका अंदाजा लगा पाना खुद इंसानों के ही बस में नहीं है। मणिपुर की घटना को लेकर पिछले 2 मई से ही संघर्ष चल रहा है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन सब के सब महाराज धृतराष्ट्र के उस दरबार की तरह मौन थे। एक तरफ द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और दूसरी तरफ सारा का सारा कुरुवंश वहां पे नजरें गड़ाए बैठा हुआ था और वो सब कुछ होते हुए देख रहा था जो नहीं होना चाहिए था। मणिपुर की हालत भी ठीक उसी प्रकार की है। मणिपुर में भी 2 या 3 औरतों को, आप बताइए कितनी शर्मनाक बात है इस तरीके से रोड पर निर्वस्त्र करके घुमाना, और उसके बाद अब जाके प्रधानमंत्री का इस पूरे मामले पर बोलना। आज चूंकि प्रधानमंत्री मोदी प्रेस के सामने आए और उन्होंने मणिपुर की घटना पे आज पहली बार अपना मुंह खोला और कुछ बोला, उन्होंने बोला कि अपराधियों को, जिसने भी यह किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। सच्चाई तो यह है कि बख्शा उन्हें भी नहीं जाना चाहिए जिन्होंने यह किया है, और बख्शा उन्हें भी नहीं जाना चाहिए जिन्होंने यह होने दिया या फिर होते हुए देखा या फिर किसी भी तरह से वहां पर उपस्थित थे और इस घटना का विरोध नहीं किया। मुझे भगवान कृष्ण की वो लाइनें याद आ रही हैं जब द्रौपदी का चीरहरण होने के बाद उन्होंने कहा था, जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में थे तब उन्होंने कहा था कि जब जब, चूंकि नारी सम्मान की बात करती है, हमारा देश सनातनी देश है और इस देश में नारी सम्मान की बात जोरों शोरों पर होती है, यदि कोई हाथ स्त्री की लाज उसकी मर्यादा का को भंग करने का प्रयास करे तो उस हाथ को उखाड़ देना चाहिए, यदि कोई आंख स्त्री की मान मर्यादा को भंग होता हुआ देखे तो वो आंखें निकलनी चाहिए। ये तमाम चीजें हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये सारा कुछ मणिपुर में हो रहा था और हमारी आंखें, हमारी सूझबूझ, हमारी नैतिकता, हमारी इंसानियत सब कुछ धरी की धरी रह गई। पूरा मामला हम आपको बताते हैं। मणिपुर में 2 समुदाय हैं, कुकी और मैतई। कुकी और मैतई के बीच में यह संघर्ष शुरू हुआ। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैतई और कुकी के बीच यह संघर्ष क्यों चल रहा है, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह संघर्ष इतना लंबा क्यों हो गया, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है अब तक इस घटना में, 50,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर है, पलायन कर चुके हैं अपने घर से, ये सारा कुछ मणिपुर में हो रहा है, क्यों हो रहा है उसको बताऊंगा। दरअसल शुरुआत होती है मैतई समुदाय के, जो कि लंबे समय से एससी एसटी कैटेगरी में, यानी कि अनुसूचित जनजात में शामिल होने की मांग लगातार सरकार से कर रहा था। यह मांग करने के बाद इसके विरोध में, जब यह मांग पूरा हो जाता है तो इसके विरोध में कुकी समुदाय एक मार्च निकालता है, जो कि 2 या 3 मार्च को यह मार्च निकलता है, 2 या 3 मई को यह मार्च निकलता है। उसके बाद मैतई समुदाय उस मार्च को भंग करने का प्रयास करता है या फिर रोकने का प्रयास करता है, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जब दोनों आमने सामने होते हैं तो दोनों के बीच संघर्ष शुरू होता है और यहीं से यह संघर्ष बढ़ते 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 इतने घिनौने स्तर पर आ गया कि आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जरा सोचिए कि आप इस तरह का दृश्य देखना अपने साथ स्वीकार कर पाएंगे, अपने खुद के साथ जिनके ऊपर यह बीता है उनकी मनोदशा क्या होगी। हम इंसान, अपने आप को इंसान कहते हैं, एक तरफ जो मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि मेरे शब्द लड़खड़ा रहे हैं, इस घटना का मैं जिक्र नहीं कर पा रहा हूं, इतना विभत्स यह घटना था, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला यह घटना था। उसके बाद जो है, अब का जो अपडेट है वो ये है कि जो मुख्य आरोपी था इस घटना में, जो सम्मिलित मुख्य आरोपी था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वाकई में सिर्फ वो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है वही इस घटना का आरोपी है? क्या 2 मई से या फिर 3 मई से जो घटना अब तक चली आ रही है उसके ऊपर सरकारों ने एक्शन नहीं लिया, प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया, और लिया भी तो उसको रोक नहीं पाई, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को पहले नहीं बोलना चाहिए था? क्या वो जिम्मेदार नहीं है? क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है? क्या उस
जिस कार्य क्षेत्र में यह सब कुछ हुआ उस क्षेत्र का पुलिस थाना अध्यक्ष जिम्मेदार नहीं है, डीएम जिम्मेदार नहीं है, एसएसपी जिम्मेदार नहीं है, कमिश्नर जिम्मेदार नहीं है, कौन जिम्मेदार नहीं है, मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं। हमने आपने हिंदुस्तान की ऐसी परिकल्पना शायद सपने में भी नहीं की होगी। आज पूरा का पूरा देश शर्मसार है इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। आज यह पहली बार आके इस घटना के बारे में बोले, इंटरफेयर किए, कब, जब यह सब कुछ हो गया तब। इसके पहले यदि इन लोगों ने यह इस घटना का संज्ञान ले लिया होता, और मैं सिर्फ मोदी को नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ मणिपुर के मुख्यमंत्री को नहीं कह रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं कि जितनी सजगता के साथ इस समय ये सारे लोग बोल रहे हैं, अगर पहले बोल दिए होते तो मणिपुर, क्योंकि लगातार कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग मणिपुर को में शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, यह वांटेड पीस इन मणिपुर से नो टू हेट क्राइम मणिपुर स्टिल बर्न्स, ये सारे पोस्टर स्टिकर लेके तमाम ऐसे भी लोग हैं जो लोग लगातार मणिपुर में शांति व्यवस्था को कायम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुकी समुदाय और मैतई समुदाय के बीच का यह संघर्ष इतना हिंसक हो जाएगा, ये हम और आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन वो सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, सिर्फ जाति को लेकर, जातिगत नेताओं को लेकर, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को फायदा पहुंचाने को लेकर, ये सारी चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं, और ये सब होते हुए हम देख रहे हैं और सिर्फ देखते रह जा रहे हैं। मणिपुर की इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, और इस कृत्य पर अपराधियों को किस स्तर की सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।